हेलो। तो गाइस स्वागत है आपका एक और नए गेम प्ले वीडियो में। आज हम दोबारा से रैन सिमुलेटर गेम खेलने वाले हैं। और गाइस पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने ग्रीन हाउस भी बनाया था, ग्रीन हाउस का ब्लूप्रिंट बनाया था। ग्रीन हाउस अपने को बनाने का है, वो ग्रीन हाउस का भी काम हमने आधा ही छोड़ा और अपना काम करने गए शिकारी चेचा के पास। शिकारी चेचा का काम भी करने गए हम, और जाते जाते ना हमने एक गाड़ी भी खरीदी, नई गाड़ी अपने लिए, पिकअप ट्रक थी। और आज अपने को एक ग्रीन हाउस का काम पूरा करने का ही है। लकड़ियाँ थोड़ी काट के रखी है हमने, तो नीचे का फाउंडेशन तो रेडी करेंगे। ऊपर का नहीं होगा तो फिर नीचे का फाउंडेशन तो रेडी करेंगे और उधर प्लांट भी लगाएंगे। तो अभी जाते हैं, पहले खाना भी ना देखते हैं, पहले जाते हैं बकरियों के पास। अभी सुबह के 9:30 भी बजने आए हैं ना, पहले दूध भी निकलते हैं सुबह का टाइम का। और ये अलग सी आवाज़ किधर से आ रही है? और ये क्या इधर से गया? अबे ये रैबिट कहाँ से आ गया? ओ भाई साहब, और आवाज़ आ रही है किसकी तो? और ये एक रैबिट है, और कितना जोर से भाग रहा है ये, इसका ही आवाज़ है। और एक है क्या ये? देखो इसका भी आवाज़ आ रहा था मेरे को, वही बोल रहा हूँ मैं, दो आवाज़ किसकी आ रही है? और ये देखो क्या दिख रहे हैं रे, ये रैबिट अपने रैंच में। और ये बकरियों के घर में क्या कर रहे हैं रैबिट? ओ आज से तो नया अपने एनिमल है रैबिट, दो हमने बकरियों के घर में रख के रखा है इनको, आज से इधर ही रहेंगे। इनके लिए भी एक घर बनाना पड़ेगा अपने को। वो देखो क्या दिख रहे हैं रे, रैबिट है, थोड़ा अलग कलर चाहिए दादा, बहुत ब्लैक कलर में दिख रहे हैं। और ये देखो कितने छोटे छोटे, और आवाज़ भी कितना अच्छा लग रहा है इनका सुनने में, बहुत मज़ा आ रहा है रे मेरे को ये रैबिट देख के। तो अभी तो ये इधर ही रहेंगे, इनके लिए घर बनाएंगे बाद में। तो घर बनने के बाद ना अपन और लाएंगे रैबिट, और इनके मेहमान लाएंगे, इनके फैमिली मेम्बर को भी। और ये अपने पास बकरी के बच्चे एक ही था ना, दूसरा कहाँ से आ गया? दो दिए बकरी ने बच्चे एक साथ, क्या मालूम नहीं, पर दो दिख रहे हैं मेरे को बकरी के बच्चे। ये दोनों भी अपने ये होने चाहिए, बकरी होनी चाहिए, फिर दूध भी मिलेगा अपने को ज़्यादा, उनका भी। और इसका तो मिल रहा है ये बकरी का। और ये रैबिट का क्या आवाज़ लग रहा है रे, मस्त प्यारा सा आवाज़ लग रहा है, कितने छोटे छोटे आवाज़ से चिल्ला रहे हैं इधर उधर, और भाग रहे हैं कितने जोर से भी बकरियों के रेंच में। अब ये बकरी का दूध निकालते हैं फटाफट से और अपने कैन में डालते हैं। हो गया दूध निकाल के, हमने बकरी का दूध भी निकाला, अब ये दूध के कैन में भी डालते हैं। और ये भर जाएगा अभी थोड़ा, 1-4 ही लीटर चाहिए उसमें, और कैन भर जाएगा दूध का भी। इधर पिग का पॉर्क भी पड़ा है, वो भी अपने को उठाने का है, वो भी थोड़ी देर बाद उठाएंगे। ये पिग इधर आया था ये साइड से, ये वॉल है ना छोटे शॉर्ट वॉल, उधर एक पिग मारा था ना उसके ऊपर से इधर, और वो डोर से इधर जा नहीं रहा था इसलिए अपने को मारना पड़ा उसको। और अपने रैबिट को भी घर बनाना पड़ेगा, देखेंगे वो भी बनाएंगे उनके लिए घर भी, बकरियों के इधर से निकालेंगे उनको और अच्छा घर बनाएंगे रैबिट के लिए, क्योंकि आज से अपने रेंच में रैबिट भी रहने वाले हैं। अभी हम पिग के रेंच में आ गए, पिग के घर में, पिग के घर में इधर तो उन कंपोजर तो लेके आए पर इधर पॉट ही नहीं है इनकी पिग की, तो इधर पिक के घर में पॉर्क भी पड़ा है ना, तो वो भी अपने को कूलर में डालना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा, और ऑफर भी देखना पड़ेगा। जब ये अपन लेके जाते हैं ना कुछ बेचने के लिए तो उसका ऑफर ही नहीं रहता है। अभी हम पिक के घर से बाहर आ गए, अभी अपने गाड़ी के पास आ गए, और गाड़ी के पास से एक कूलर है ना ये निकालते हैं जनरल स्टोर से, और लाए दो कूलर, थोड़ा खाना भी लाया जनरल स्टोर से। तो कूलर पहले निकालते हैं और ये पिक के घर में रखते हैं, और पॉर्क भरते हैं उसमें, बेचने का है वो पॉर्क, थोड़ा पैसा आएगा उससे, हम मेटल वेटल तो खरीदेंगे उनका खाने के लिए, तो बंदोबस्त करेंगे ना, ऑटोमेटिक फीडर लगाएंगे, तो कि इनको अभी खाना बहुत लग रहा है, इनकी संख्या भी ज़्यादा बढ़ रही है ना, तो खाना भी उतना ही लग रहा है, और पानी इतना नहीं लग रहा है पर खाना बहुत लग रहा है इनको। और बड़े जो पिग होते हैं ना, जितने बड़े होएंगे ना तब तो उनको और दुगना खाना लगता है, इसलिए अपने को पहले फीडर का तो बंदोबस्त करना पड़ेगा, तो वो भी करेंगे फीडर का बंदोबस्त। उसके लिए अपने को मेटल लगेंगे ना, कितने मेटल, 300 तो लगेंगे, 150 तो पानी के लिए वीड मिल के लगते हैं, और 125 तो ग्रेनरी को लगते हैं, तो 150 नहीं 300 तो ला के रखेंगे हम मेटल, 300 में हो जाएगा। और थोड़े बचेंगे उसमें तो लाइट भी लगाएंगे हम, इसमें अपने घर में चाहिए ना लाइट, पिक के घर में और बकरियों के घर में। चलो फिर भरते पिक फटाफट से। अरे पिक नहीं, पिक क्या बोल रहे हो, पिक को नहीं भरने का है, पॉर्क भरने का है, किसी तो पिक आएंगे भी नहीं कूलर में, तो इसलिए पॉर्क भरते हैं कूलर में। और ये बहुत चिल्ला रहे रे ये रैबिट, अपने आवाज़ भी इतना बढ़िया लग रहा है उनका, क्या मस्त चिल्लाते हैं, और भागते भी इतने जल्दी है ना। हमने ऐसे थोड़ा सा भी डोर खोला ना तो ऐसे धूम दबा के भागते हैं ना ये रैबिट,
खतरनाक वाले, और कितने जल्दी गायब भी हो जाते हैं ना, समझ भी नहीं आते। इसलिए इधर काम डोर नहीं खुलते, पहले पिक का डोर खोलते, उधर से आते और जाते। अभी हमारे पास तो 6 ही कूलर हैं, और 6 कूलर तो पूरे भर जाएंगे। अभी यही 2 ही बचे हैं ना, 2 तो भर जाएंगे, पर बाकी के भी रहेंगे पार्क, उनको तो अपने को बाहर रखना पड़ेगा। फिर कूलर पहले उधर लेके जाते हैं, पिक के इधर रखते कूलर, उधर से अपन बाहर जाएंगे। और ये पौर के ना बचा हुआ ये इधर बाहर निकल के रखते हैं, ये दूध के कैन के साइड में, इधर से गाड़ी में डालेंगे और लेके जाएंगे। ये कूलर तो अपने पास नहीं है, कूलर भी लाने पड़ेंगे अपने को, 1-2 और कूलर लाने पड़ेंगे अपने को। पर अपने को पास पैसा ही नहीं आ रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, क्यों क्या मालूम नहीं। फिर डोर खोलते हैं, फटाफट से लगाते हैं, नहीं तो फिर रैबिट बाहर जाएंगे। अभी जाते हैं गाड़ी के पास, और गाड़ी में प्लैंक भरते हैं, प्लैंग भर के अपने ग्रीन हाउस का भी रेडी करते हैं, थोड़ा जितना होएगा उतना रेडी करते हैं। और पहले ये ना खाने की बोरी है नहीं, साइड पे निकलते हैं, ये हमने निकाली नहीं थी। तो अभी गाड़ी से हमने बोरियाँ सब निकाली, गाड़ी में बैठते और इसमें प्लैंग भरते हैं, थोड़ा गाड़ी पीछे लेके। और ये प्लैंग में अपने ग्रीन हाउस रेडी हो जाएगा क्या, वो तो अपने को देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर और प्लैंग लगेंगे तो अपने को फिर हार्डवेयर स्टोर से लाना पड़ेंगे। और हार्डवेयर स्टोर से लाने के लिए तो अपन क्यों खर्चा करें, मेटल लाएंगे ना, उससे अच्छा तो अपने इधर तो रेंच में बहुत सारे पेड़ है, वो भी काटेंगे, कम पड़ेंगे तो। पर पहले तो नीचे का फाउंडेशन तो रेडी करेंगे, नीचे का फाउंडेशन रेडी करेंगे तो क्रॉप प्लॉट है ना प्लांट के लिए, वो तो लगा सकते हैं ना, प्लांट भी रेडी कर सकते हैं ना उसमें। बाकी के कांच भी जो जो वॉल भी ले दो, वो हम बाद में रेडी कर सकते हैं, वो भी देखेंगे ना ओपन में होता है क्या, अपना प्लांट आते हैं क्या ओपन में। ये पहले भरते हैं, और इसमें अपने दादाजी की गाड़ी से कम बेटर है प्लैंक, दादाजी की गाड़ी में तो ज़्यादा बेटर है प्लैंक। ये देखो इधर तो नहीं है बेटर, उसमें तो 4 लाइन बैठती है ना, 4 वाली लाइन बैठती है ना, इसमें तो 3 ही लाइन बैठी है। तो ये दूसरा सामान ले जाने के लिए अच्छी है गाड़ी, पर ये प्लैंक ले जाने में अच्छी नहीं है गाड़ी है, वो तो दादाजी की गाड़ी है अच्छी है। इधर हमने एक फाउंडेशन तो रेडी कर दिया था, अभी बाकी के फाउंडेशन रेडी करते हैं। पहले अपने को फाउंडेशन ही नीचे के कंप्लीट करने के हैं, उसके बाद में क्रॉप प्लॉट लगाएंगे। ओके तो गाइस अभी अपना नीचे का तो हो गया फाउंडेशन पूरा रेडी, प्लैंक लगा के अभी क्रॉप प्लॉट लगाते हैं ये प्लांट रखने के लिए। तो ये बड़ा वाला ही लगाते हैं, छोटा वाला नहीं लगाएंगे क्रॉप प्लॉट, बड़ा वाला ही लगाएंगे। इसमें 2 प्लांट आएंगे ना, इसमें 2 प्लांट बैठेंगे, तो इसलिए अपन छोटा नहीं लगाएंगे, ये थोड़ा स्पेस रख के थोड़ा बड़ा वाला ही लगाते हैं। और 1 लाइन अपन खाली फूड के लिए रखेंगे, और 1 लाइन सब्जियों के लिए रखेंगे। पहले 1 लाइन बनाते हैं, कौन सी तो पूरी रेडी करते हैं। और अपने को दोनों साइड में ही ब्लैंक लगाने पड़ेंगे, दोनों साइड के भी क्रॉप प्लांट अपने को रेडी करने पड़ेंगे, क्योंकि एक में फल और एक में सब्जी लगाने के हैं ना, इसलिए। ओके गाइस तो अभी अपना क्रॉप प्लॉट भी लगा के रेडी हो गया, और इधर का हमने वॉल भी निकाल दिया, ये ब्लू प्रिंट का वॉल था ना वो भी हमने निकाला, और थोड़ा बचा था ना उसमें हमने क्रॉप प्लॉट रेडी कर दिए। अभी इतने ही अपने पास प्लैंक है, तो इतने में हो जाएगा कि कितने हो जाएंगे क्रॉप प्लॉट रेडी, वो भी अभी देखते। फटाफट से प्लैंक लगा दे क्रॉप प्लॉट को, फिर उधर अपने इधर अपने को ये भी लगाने पड़ेंगे ना, सीड भी डालने पड़ेंगे ना फटाफट से, इसलिए पहले रेडी करते हैं। कितने, 3 तो 3 3 हो रहे हैं ना, 6 हो रहे हैं ना रेडी। ओके तो 6 हो रहे हैं रेडी, अपने अपने प्लॉट तो 6 रेडी हो गए। तो अभी अपने को सीड भी लाना पड़ेगा, पर इधर पहले गाड़ी लेके जाते हैं, वो विंडो के पास खड़ी करते हैं गाड़ी को, और ऊपर से गाड़ी में रखते हैं सब सामान जो अपने को लगेगा ना प्लांट के लिए, ग्रीन हाउस के प्लांट के लिए लगता है ना सामान, और फर्टिलाइज़र, वो दवा की बोतल, और क्या है पानी, पानी और ड्रम भी लेना पड़ेगा ना अपने को पानी का। पहले ऊपर जाते हैं अभी अपने घर में, उधर से विंडो से अपने गाड़ी में रखते हैं सब सामान। ओ भाई ये क्या, अरे इधर तो प्लांट आ गए, पर उस दिन तो नहीं आ रहे थे प्लांट, इसलिए तो हमने अभी ग्रीन हाउस बनाया। और इधर अभी इधर तो प्लांट आ रहे हैं सब, पर ये सब सूखे हुए प्लांट हैं लग रहे हैं मेरे को तो, इनको पानी देते देखते फल बिल तो नहीं आ रहे हैं अभी, इधर तो फल बिल तो नहीं दिख रहा है हम
मेरे को पानी डालते हैं, और पानी तो हमने डाला, और अभी देखेंगे बाद में इसको फल भी लाते हैं क्या प्लांट को, और ये अपना सामान रखते हैं सब, ये सीड भी रखते हैं इधर ऊपर गाड़ी पर, ऊपर से ही रखते हैं ये ग्रेप सेना, बेल पेपर, वाटरमेलन। इस बार हमने पाइनएप्पल को भी अपने को लगाने को चांस मिलेगा, इधर नहीं मिल रहा था क्योंकि हमने प्लॉट चार ही बने थे और एक में तो दो कैबेज लगाए थे ना, इसलिए अपने को पाइनएप्पल लगाने का चांस ही नहीं मिला। इस बार लगाएंगे क्योंकि हमने सब सीड लाके लाया उधर से जनरल स्टोर से, और इधर ये दवा की बॉटल है ना, ये लगा के देखते हैं इन पर कुछ हो रहा है क्या। अरे व्हाइट लाइन किसकी आ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को, ये व्हाइट लाइन किसकी है। कुछ नहीं, खाली रिमूव करने का ऑप्शन है वो प्लांट, वो तो हो रही नहीं देते। फिर अपने घर में थोड़ा अच्छा दिखेगा वो प्लांट लगाने से। अभी इधर ग्रीन हाउस के इधर ये सामान सब लेके आ गए हम, गाड़ी बराबर लगाते हैं और इधर सब फटाफट से सीड लगाते हैं अपने प्लॉट में, इधर भी आना चाहिए। तो फिर खाली इनको ग्रीन हाउस ही लगता है ऐसा समझ में आया, फिर पूरा रेडी करना पड़ेगा मेरे को ग्रीन हाउस। इधर पानी के कैन साइड में रखते हैं, और ये बकेट रखते हैं पानी भरने के लिए, ये सीड लगाते। पहले क्या अपने को ग्रेप्स लगाने का, पहले ग्रेप्स निकालेंगे, इधर ए साइड लगाते हैं ग्रेप्स, ये सीड उसका पॉकेट साइड में रखते हैं। क्या बारिश का मौसम चालू हो गया तो अच्छा हुआ, फिर बारिश तो मिलेगी उनको, पानी तो मिलेगा ना ऑटोमेटिक। ये क्या है, पम्पकिन है ना, ये भी डाला हमने पम्पकिन, और इधर साइड में रखते हैं ये भी पॉकेट। ये टोमेटो है ना, उसके पम्पकिन के ही साइड में लगाते हैं। ये सब एक लाइन है ना सब्जियों के लिए रखेंगे, और एक लाइन तो फल के लिए रखेंगे। ये क्या बेल पेपर है ना, इसको भी साइड में लगाते हैं, टोमेटो के साइड में, टमाटो के साइड में, और कैबेज रह गया है ना सब्जियों में कैबेज। और ये एक प्लॉट तो अपना खाली है, ऐसा ही रह गया है, सब्जियां तो अपने पास इतनी है। अभी फल लगाते हैं, स्ट्रॉबेरी लेते हैं इधर साइड में लगाते हैं, ग्रेप्स के साइड में निकालते हैं पाकिट इसको, और क्या रह गया, वाटरमेलन और पाइनएप्पल रह गया है ना, वो भी अपने को इधर लगाते हैं। और एक स्पेस तो एक प्लॉट है ना अपना खाली बचेगा, पर उधर ना हम डबल डबल लगाएंगे, कुछ ग्रेप्स लगाएंगे नहीं तो फिर कुछ दूसरा क्या लगा सकते, स्ट्रॉबेरी तो नहीं, हाँ स्ट्रॉबेरी भी लगा सकते हैं क्योंकि स्ट्रॉबेरी अपने को जल्दी मिलेगी, ग्रेप्स का क्या मालूम नहीं कितना टाइम लगता है। अभी पाइनएप्पल लगाया हमने, और उसके साइड में वाटरमेलन लगाएंगे, और कैरेट वेरेट भी चाहिए था, गाजर भी चाहिए था, क्योंकि अपने खरगोश है ना उनको तो काम आता था गाजर। और ये खरगोश को इधर ही छोड़े क्या, क्योंकि इसको तो कैबेज अच्छा लगता है ना खरगोश को, गोभी पत्ता अच्छा लगता है ना, वो भी उसको पसंद है खरगोश को। अभी अपने पास तो गाजर नहीं है और मूली भी नहीं है, तो फिर ये कैबेज खा के ही रहेंगे इधर, तो इधर ही छोड़े क्या उनके लिए घर बनाए, वो जरा कमेंट में बताओ गाइज। और गाइज लाइक और सब्सक्राइब नहीं हो रहा है क्या, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही बढ़िया बढ़िया गेम आने वाले हैं, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करना, और नीचे रेड बटन रहेगा वो भी फटाफट से दबा दो। अभी पानी डालते हैं इनको सब प्लांट को, और ये बकेट भरने के लिए रखते हैं। अभी हमने फर्टिलाइज़र भी डाला और पानी भी डाला थोड़ा आधा आधा, एक में तो आधा ही डाला है हमने, एक में नहीं दो में, वाटरमेलन को और कैबेज को। और वाटरमेलन अपने को वो साइड लगाने का था, हमने इधर ये साइड लगाया, तो अभी उधर ग्रीन भी कुछ आ रहा था, ग्रीन लाइन भी बढ़ रही थी, तो अभी देखेंगे बाद में आके। पहले इधर ऐसे ये मीट लेते, गाड़ी में डालते मीट, ये मीट नहीं है ये पॉर्क है ना, ये पिक का पॉर्क है ना, ये गाड़ी में डालते हैं। और अपना दूध का कैन भी थोड़ा बचा है वो नहीं लेके जाएंगे, भरने के बाद ही लेके जाएंगे। और ये अपने दवा की बोतल तो हमने निकाली नहीं गाड़ी से, तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं, फिर खाली सेल करने के टाइम पे देखना पड़ेगा उनको, नहीं तो फिर हम वो दवा की बोतल भी सेल करेंगे। ये एग्रीकल्चर मेडिसिन का खाली ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, इसको साइड में रखते हैं कोने में। तो इधर का हमने पार्क तो भरा, अभी इधर कूलर है ना पिक के घर में, तो वो भी भरते, कूलर गाड़ी में डालते और जाते पहले बेचने के लिए। और उधर से आते समय कुछ सामान तो लेके आएंगे, पैसे मिलेंगे तो अपने को हार्डवेयर स्टोर में ही पहले जाना पड़ेगा ना इनका सामान लाने के लिए, उधर ही जाएंगे पहले।
ओ भाई साहब जरा साइड हो जाओ, मेरे को कूलर तो विंडो से बाहर लेके जाने दो, तो डोर तो खोलने नहीं देते, और विंडो में भी आ रहे हैं। मैं इधर सामान भर रहा हूँ तो सामान बाहर डाल रहा हूँ तो, और ये कंपोजर लेते हैं और ये पोटी भी डालते हैं, क्योंकि अपने को खत तो मिलता रहेगा, फर्टिलाइजर तो बनता रहेगा इसमें। और अभी अपने को बहुत सारा खत भी मिला है, वैसे फर्टिलाइजर की बॉट वो कैन ना अपने को लाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। और पिग साइड हो जाओ जरा, पिगलेट, ओ पिगलेट, ओ छोटे बच्चे हो, साइड हो जाओ जरा, मेरे को जाने दो बाहर, मेरे को काम करने का है, और आपको जरा खाने पीने का भी बंदोबस्त करने का है। तो अभी आ गए बाहर हम, और गाड़ी पे रखते कूलर ऊपर पे, ऊपर भी है ना अपने पास कैरल गाड़ी को, तो ऊपर भी हम सामान रख सकते हैं गाड़ी को, इसलिए हमने ये गाड़ी ली है, पिकअप ट्रक। और मेरी फेवरेट ट्रक भी यही है, यही गाड़ी फेवरेट है मेरी, मेरे को यही गाड़ी अच्छी लगती है इसमें रेंज में तो, और दिखती भी है ऐसी खतरनाक जैसे मॉडिफाई करने के बाद। चलो कूलर तो हमने डाल दिए, भी जाते हैं अपने बेस्ट बर्गर शॉप में। तो ओके गाइस, तो आ गए हम बेस्ट बर्गर में। अभी इधर ऑफर भी अपने को देखने का है ना, तो ऑफर तो नहीं रहेगा पॉर्क का, मेरे को मालूम है, जब भी हम लाते हैं ना सामान तो नहीं रहता है, पॉर्क सॉसेज का है और बीफ का है और चीज़ ब्लू मोड़ का है, तो मालूम ही था कि ये ऐसे देते ही नहीं है रेंच वाले, जब भी हम कुछ सामान लाते हैं ना उसका ऑफर ही नहीं देते कभी भी। वे अपने को कितना 2300 मिल रहा है, $2300, सबको $360 मिलता है, और अपने पास $1800 रहते हैं पहले, अभी अपने पास $4200 हो गए हैं। अभी अपने को हार्डवेयर स्टोर में जाना ही पड़ेगा, और जल्दी से ग्रेनरी और विंडमिल का काम करना पड़ेगा अपने को, खाने का और पानी का बंदोबस्त तो करना पड़ेगा रेंच में जाके। आ गए हम अभी हार्डवेयर स्टोर में, हार्डवेयर स्टोर के सामने, और इधर एक देखो भालू की मौत है हुई है उधर, कि हमने ही मारा था, हम पर अटैक कर रहे थे ना भालू, दो दो कर रहे थे, वो दोनों को भी मार दिया था, एक को ऐसे ही छोड़ा हमने उधर, कभी अपने को ज़रूरत लगेगी मीट की तो हम फटाक से लेके जा सकते हैं ना, इसलिए उसको उधर वैसे ही छोड़ के आ गए हम। और दूसरा था ना उसका मीट लेके गए हम बेचने के लिए। अभी आ गए हार्डवेयर स्टोर में, तो $500 में अपने को 50 मेटल मिल रहा है, तो 3000 जा रहा है, 6 अपने को बैग लेने पड़ेंगे 50 मेटल के, 3000 हो रहा है अपना बिल। चलो लेते हैं फिर 6 अपने बैग, 50 50 50 के हमने सब ले लिए, बाय कर दिए, तो इसको अभी गाड़ी में डालते हैं मेटल को, एक के ऊपर एक रखेंगे। ओके गाइस, तो अभी हमने सब मेटल भी रख दिए, पर अभी अरे अपने को ध्यान आया कि अपने को सीमेंट भी लगता है ना, सीमेंट का भी बैग लगता है, वो भी 50 वाले लगता है, वो 250 मिलीमीटर है अपने को, तो एक लेते हैं, तो ग्रेनरी को सीमेंट का लगता है, सीमेंट बैग लगता है 50 का वो, और एक 25 का है ना, तो 50 का ही बड़ा वाला ही बैग लिया हमने सीमेंट का। तो फिर उसको भी गाड़ी में डालते हैं और जाते हैं अपने रेंच, और अब खाने का भी बंदोबस्त करते हैं खाने पानी का। तो अभी गाड़ी में बैठे हम, अभी जाते हैं रेंच में। ओके गाइस, तो अभी आ गए हम रेंच में, और इधर गाड़ी लगाते हैं, और ज़्यादा आगे गई क्या गाड़ी, थोड़े पीछे लेते गाड़ी, इधर अपने ब्लू प्रिंट बनाते हैं, ये पहले ग्रेनरी के ब्लू प्रिंट बनाते हैं, ग्रेनरी के ब्लू प्रिंट निकाली हमने, इधर है ना, इधर ब्लू प्रिंट है ग्रेनरी की, ग्रेनरी की लगाएंगे, और ये बकरियों के पीछे ही लगाएंगे, बकरियों के घर के पीछे, कि उसकी रेंज बहुत है ना, वो साइड तो हमने बना नहीं सकते क्योंकि उधर अपना टेंट है, ये साइड तो हम और बना सकते हैं ना, घर भीर बना सकते हैं ना बकरियों के लिए, तो फिर काव के लिए या पिक के लिए छोटा पड़ेगा, तो घर इधर बना सकते हैं ना, तो इधर भी रेंज उसकी जाएगी ग्रीनरी की और वीडमिल की, इसलिए हम बकरियों के घर के पीछे बना रहे हैं। और ये पहले वीडमिल बराबर लगाते हैं, और ये फैन वो साइड क्यों जा रहा है, फैन को अपने रेंच के साइड में चाहिए, ये तो उल्टा साइड हो रहा है, बराबर लगा दें। ये गाड़ी अपने बीच में आ रही है, गाड़ी को भी अभी आगे करना पड़ेगा अपने को, गाड़ी थोड़ी आगे करते हैं, पहले ही हमने रुकाई थी वही बराबर थी गाड़ी, हमने खाली पुकट उसको पीछे ले लिया, अभी बराबर लगाते हैं विंड मिल को, अभी बराबर लगाए, अभी फैन भी बराबर आया होगा, अभी मेटल लगेगी ना इनको विंडमिल को, तो 150 हो गएंगे, और ये ग्रेनरी का करते हैं इसको 125 को, 125 देते हैं,
मेटल और एक सीमेंट बैग भी डालते हैं उसमें ग्रेनेड को, और वो पूरा करते हैं। खाना तो पहले मिलना चाहिए इनको, पानी इनको ज़्यादा नहीं लगता है पर खाना ज़्यादा लगता है। हमने फीडिंग भी की फीडर में, खाना ये बचा हुआ है ना ये साइड में रखते हैं मेटल, और जो हमने अलग लाए हैं ना फीड मिल के लिए ये इसको डालते हैं फीड मिल को मेटल, जो बचा है ना उसको लाइट भी लगाते हैं अंदर, क्योंकि अपने को भी परेशानी होती है रात में लाइट में लाइट नहीं रहेगी तो, और उनको भी परेशानी होगी ना बकरियों को और पिग को, इसलिए अभी लाइट भी लगाते हैं इनके लिए। अभी हमने मेटल तो रखा बकरियों के इधर, पर अपने को पहले ऊपर जाते हैं अपने घर में जाते हैं, और अपने टेंट लगाए थे ना उधर स्प्रिंकलर भी लगाए थे, तो ऊपर पानी आ रहा है क्या वो देखते, पानी मार के देखते। अरे पानी तो इनको मिल रहा है रे, एक स्प्रिंकलर चालू किया तो सबको चारों को भी पानी मिला, देखो चारों को भी पानी मिला, इतना दूर जा रहा है इसका रेंज स्प्रिंकलर की, और इधर से डायरेक्ट कूदते ऊपर से। और अभी मेटल लगाते, पर मेटल के लिए तो एक लैंप लगाना पड़ेगा ना पहले अपने को, तो दो लैंप लगाते और एक टॉर्च लाइट लगाते, ट्यूब वाली लाइट लगाते, ये वॉल वाले दो लैंप लगाएंगे इधर, तो अपने को घर में भी रोशनी आएगी ऊपर और इनको भी रोशनी मिलेगी, तो इधर नहीं लगेंगे दो ही लगेंगे। और ये बड़ी वाली लैंप लगाते ऊपर छत में सीलिंग में, ये बराबर लगाते, चलो ये भी लगाए, इसको तो चार मीटर लगेंगे ना, देते हैं फटाफट से चार मीटर, ये लाइट तो रेडी करते हैं। अरे पर ये बराबर नहीं लगी है, इसको पहले बराबर लगाना पड़ेगा लैम्प को, ये सीलिंग वाले लैम्प को, अभी बराबर दिख रहा है क्या? हाँ अभी बराबर दिख रहा है, चलो अभी मेटल लगाए, लाइट भी चालू की, अभी देखो क्या घर दिख रहा है रे इनका। और ये घर तो ऐसे अच्छा दिख रहा है लाइट बीट मारने से, ये पेंटिंग करेंगे ना तो उसका अलग ही कलर आता है और दिखता भी अच्छा नहीं हो, पेंट भी अपने को मारने का है घर को भी मारेंगे। और वो लैंप को भी अपने को मेटल बीटल लगाया, इधर भी लैंप लगाते हैं ये सीलिंग वाला पिक के इधर, और ये पहले रेडी करते हैं। उधर तो अपने को प्लैंक भी लगेंगे ना, एक लैंप को चार वॉल वाले लैंप को चार प्लैंक लगते हैं ना, प्लैंक तो है वैसे अपने पास इधर, ये वॉल वाला लैंप लगाते हैं इधर इनके लिए, इनको भी एक मेटल लगेगा, एक मेटल लगता है इनको भी, और वुड प्लैंक लगते हैं चार, मेटल देते फटाफट से इनको, यहाँ हमने मेटल दिया, इधर से प्लैंक उठाते हैं, और इन ये वॉल लैंप रेडी करते हैं। इनकी रोशनी ज़्यादा है, ये ऊपर वाला सीलिंग लैंप है ना उसकी रोशनी ज़रा कम दिख रही है मेरे को। हमने एक बंडल लिया लैम्प का, और ये बकरियों के इधर भी लगाते हैं, इधर तो एक रेडी हो गई उनकी लैम्प, वॉल लैम्प तो रेडी हो गया। अभी इधर ये ना कंपोजर लेते हैं, और ये पिक का है ना पोटी, पहले कंपोजर में डालते हैं, तो अपना फर्टिलाइजर तो बनता रहेगा, और इधर बकरियों के पास भी है ना पोटी, तो वो भी भरना पड़ेगा अपने को इसमें कंपोजर में, ये तो पहले मिल देखने को ही नहीं मिलती बकरियों की पोटी तो ज़्यादा। ओके गाइस, तो अभी इधर एक वॉल लैम्प लगाया गया ना, तो वो भी कंप्लीट करते हैं प्लैंक लगा के, और इधर मेटल थोड़े बचे हैं उसको साइड में रखते हैं। अभी देखो इधर रोशनी आ रही है बराबर से, अभी इधर बकरियों के घर से बाहर जाते हैं, और इधर ग्रीन हाउस में भी देखते हैं क्या हाल है प्लांट का। अरे इधर तो आ रहे हैं प्लांट, ये देखो कैबेज का पत्ता गोभी का भी आ गया प्लांट थोड़ा, और इधर क्या है टोमेटो का भी आ गया अपना प्लांट, और अभी इनको पानी देते हैं, पानी भी कम हो गया था बहुत, और फर्टिलाइजर भी कम हो गया है बहुत सारा प्लांट का, तो वो भी देना पड़ेगा अपने को। फर्टिलाइजर भी देते हैं, पहले पानी डालते हैं, पानी डाला हमने सबको प्लांट को, अभी इधर ये बकेट भरने के लिए रखते हैं, अभी ये फर्टिलाइजर देते हैं सबको कि जल्दी अपने के प्लांट बढ़ेंगे, अपने को फल और सब्जी भी देंगे। तो हमने सबको फर्टिलाइजर दिया, अभी अपने जल्दी आएंगे अपने प्लांट, और जो इधर ये ब्लूप्रिंट दिख रही है ना ग्रीन हाउस की, ये निकालते देखते पहले ऐसे ही बढ़ रहे हैं क्या, नहीं तो फिर ग्रीन हाउस ही लगता है, ग्रीन हाउस लगेगा तो उसको प्लैंक लगाएंगे और रेडी करेंगे, अभी के लिए तो ओपन ही रखते हैं इधर ये सब प्लांट, और ये भी अपने को कंप्लीट करने पड़ेंगे, और उधर चार लगाने पड़ेंगे प्लांट, उधर प्लैंक लगाने पड़ेंगे अपने को, 18-18 प्लैंक लगते हैं ना, तो वो भी अपने को रेडी करने पड़ेंगे, और इधर और लगाएंगे प्लांट, इनको तो अभी टाइम है, पर ये कैबेज तो अपने को जल्दी मिलेगा, अभी देखो कैबेज भी आएगा जल्दी,
और इधर फिर से कैबेज लगा दें कि वो जल्दी मिल रहा है अपने को। ये देखो आ गया, अरे ये पत्ता को भी अपने रेंच में, नई सब्जी आ गई है। वाटरमेलन भी हमने एक लगाया, बेल पेपर एक लगाते हैं, बेल पेपर का भी डबल डबल, और ग्रेप्स लगाते हैं। ग्रेप्स के हमने दो प्लांट लगाए, और पत्ता गोभी के भी दो प्लांट लगाए, और वाटरमेलन के भी दो प्लांट लगाए। कि हमने वाटरमेलन तो अभी देखा नहीं है, बाकी के तो देखे थे हमने सब। कैबेज को सबको अभी फिर से फर्टिलाइजर डाले हमने, फर्टिलाइजर भी खत्म होने को ही है, अभी पानी भी डाला हमने सबको। ये देखो पत्ता गोभी क्या दिख रही है, रे कितनी बड़ी भी दिख रही है पत्ता गोभी है। और टोमेटो के भी जल्दी बढ़ जाएंगे, क्योंकि टोमेटो का भी पेड़ अभी थोड़ा बड़ा हो गया है, अपने को जल्दी टोमेटो भी मिल जाएंगे। स्ट्रॉबेरी भी अपने को जल्दी मिलती है, पर इधर स्ट्रॉबेरी तो दिख नहीं रहे मेरे को, अभी तक आई नहीं है स्ट्रॉबेरी। पत्ता गोभी तो जल्दी आ गई, पैकेज को है ना, इनको भी कूलर में डालना पड़ेगा, ये बराबर नहीं दिख रहे। और चलो फिर अभी जाने का भी टाइम हो गया है, तो गाइस चलो फिर आज के लिए इतना ही, अभी फिलहाल में जाते हैं, बाकी चीज़ों को हम अगले वीडियो में करते हैं। ये एपिसोड कैसे लगा मेरे को कमेंट करके बताना, नए आए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे बड़े बड़े गेम आने वाले हैं। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।